हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रेखाज ले गैलरी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हरियाली भिंडी। तो देख लीजिए मेरे स्टाइल में हरियाली भिंडी कैसे बनती है। ये ले लिए भिंडी, ब्रोकली और लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च। इसको फाइन चॉप कर लिए है, ज़्यादा बारीक नहीं काटी है, थोड़े से मोटे मोटे से काट लिए हैं। और ले लिया यहाँ पर हरी मटर, ये फ्रेश मटर है, फ्रोजन नहीं है। ये देखिए ब्रोकली के मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। और ले लिए मशरूम, भिंडी को कट कर लिया है इतने छोटे छोटे से साइज में, और अपने मशरूम को भी कट कर लिया है ऐसे स्लाइसेस में। और इसके बाद ले लिया है एक छोटी प्याज, उसको भी पतला पतला सा काट लिया है। अब चले शुरू करते हैं बनाना। एक पैन ले लिया है और उसमें डाला है सरसों का तेल। मैं रोज़ की कुकिंग सरसों ऑयल से ही करती हूँ और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तो आप भी सरसों के ऑयल से करें। तो बस इसको गर्म होने के लिए थोड़ा सा वेट करें। तेई ऑयल के इसमें डाल दें जीरा, थोड़ा सा जीरा जाएगा इस पर, और जीरा के हल्के से चटकने से ही ये देखिए किस तरह से चटक रहा है। और इसके चटकते ही इसमें जाएगा हमारा कटा हुआ प्याज, और इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, इसको बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है, हल्का सा सॉटे करना है। जब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, बस उतना ही कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। देखिए तो चलाते हुए पकाएं, छोड़े ना, वरना छोड़ देंगे अगर आप तो फिर ये फिर लग जाएगा। और ये देखिए हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें जाएगा हमारा, ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट है एक चम्मच, ये होममेड पेस्ट है, ये मैं घर पे बना लेती हूँ, इससे आसानी रहती है, बार बार सुबह सुबह कूटना पीसना नहीं पड़ता है, तो आप इसको बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसमें जाएंगे हमारे मशरूम, जो हम लोगों ने काट के रखे थे मशरूम, वो गए। अब इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा इनको भून लेंगे, चलाते हुए पूरा चारों तरफ से इसमें मिक्स कर लें, मसाले को कोट कर दें और इनको भून लें। अपनी फ्लेम को ज़्यादा तेज़ ना करें, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखें, वरना मसाले आपके जल जाएंगे तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब ये भून गया, अब इसमें जाएगी कुछ सूखे मसाले, तो जाएगी हमारी ये हल्दी पाउडर, ये हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाली है, और हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, और हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर। बस रेगुलर के ही मसाले डालेंगे, एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी नहीं डालेंगे, जो रेगुलर में हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ उतना ही डालेंगे। इसको बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। अब जाएंगी हमारी हरी भरी सब्जियाँ, जो हमारी भिंडियों को हरियाली भिंडी का नाम देती हैं, तो ये गई उसमें सब्जियाँ। ये देख रहे हैं ना कितना सारा अच्छा कलर दिख रहा है, ढेर सारा कलर आ रहा है। और बस इसको अच्छे से मिक्स करते रहें, चलाते जरूर रहें, इसको छोड़े ना, अगर आप छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाएंगे। और अब इसमें जाएगी भिंडी। सब्जी को जितना भुना जाता है, जितने हल्के धीमी आँच से पकाया जाता है, उनमें उतना ही टेस्ट निखर के आता है, तो जल्दबाजी में ना पकाएं, धीमी आँच पे ही पकाएं, तभी उनमें सुंदर कलर आता है और फ्लेवर आता है। देखिए इस तरह से मिक्स करके पकाते रहें। और अब इसमें बारी आएगी ब्रोकली की। ब्रोकली हम लोग लास्ट में ही डालेंगे, क्योंकि ब्रोकली पक भी जल्दी जाती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसलिए ब्रोकली हम लोग डालेंगे एकदम लास्ट में। तो ये हमारी ब्रोकली भी गई, अब अच्छे से मिक्स करके। और अभी इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स रह गया है,
आप लोग गेस करके बताएंगे क्या होगा वो। तो यहाँ पर अभी रह गया है हमारा सॉल्ट, तो इसमें जाएगा सॉल्ट टेस्ट टू अकॉर्डिंग, जितना भी आपको आपके घर में जैसा भी खाया था आप उसी हिसाब से सॉल्ट डालिए सब्ज़ी में। और बस इसको अच्छे से सॉटे करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है, इसको लिड लगा के। पहले इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए ताकि जो सॉल्ट है हमारा पूरी सब्जियों में हरियाली भिंडी में अच्छे से मिक्स हो जाए। सब्जी बाउल में निकाल लेते हैं और खाने के लिए सर्व कर देते हैं। गर्मा गर्म की सब्जी आप चाहे इनको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, चाहे जिसके साथ। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को भिंडी बहुत पसंद है, तो ये एक मेरा तरीका चेंज करके शायद आप लोगों को पसंद आया हो। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और मेरे ऐसे ही वीडियो देखते रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी एक नई नई रेसिपी के साथ में, तो मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये सारा प्यार दें मेरे वीडियो को, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए बाय।